नमस्कार, मैं अजय। चुनावी तो मुद्दा चल बन रहा है कि हर नेता का यह है कि मेरी टिकट मेरे पास है और मैं कैंडिडेट हूँ, और उसके साथ साथ में वो धरातल पे, वो फील्ड में, वो लोगों के बीच में ये है कि दिखा भी रहा, दिख भी रहा और नेता की बात भी है। तो उसी प्रकार से शहर है, अब उसी प्रकार से यहाँ की जनता वोट देने का काम करेगी। तो रात को करीबन मैं बात करूँ मेरी गाड़ी में 9:45 बजे की, तो एक अचानक से भाजपा नेता के, चाहे ऑफिस कहूँ चाहे घर कहूँ, अचानक से डिनर है। अभी अचानक सा डिनर है, ये किस प्रकार का है ये तो जानने का काम करूँगा। लेकिन आज अचानक से यहाँ पे लोग आने वाले हैं, पूरा शहर उमड़ उमड़ के आया हुआ है गाड़ियों में, यही लग रहा है मेरे को। लेकिन एक दशा दिखाने वाली है शहर की भी, कि आज भाजपा नेता के निवास स्थान पर प्रदेशाध्यक्ष बडोली साहब आ रहे हैं। लेकिन सौभाग्य देखें, अब ये शहर के अंदर लाइटें जलनी चाहिए, नहीं जलनी चाहिए, खराब है, किस प्रकार से है, ये तो एक व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि भाजपा जिला अध्यक्ष का मकान है और ऊपर से ये मेन रोड है, और उनके खम्भे के ऊपर भी कहीं भी लाइट नहीं दिखती। अब जो लाइट लग रही है वो प्राइवेट लग रही है मेरे हिसाब से। दादा राम 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 राम। यह अचानक से एकदम पूरा शहर उमड़ उमड़ के आज मुकेश गोड के निवास स्थान पर क्यों? आज माननीय श्री मोहनलाल जी कौशिक बडोली, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनका भिवानी आगमन था और आज डिनर है। दादा खाना थम लिखवा दे, घर के थे हम के आदमी कम थोड़ा परिवार भी बड़ा है, लेकिन पूरा शहर आज उमड़ उमड़ के खाना खुआना आया है बडोली साहब ने, तो की चर्चा का विषय बन रहा है। चर्चा विषय तो यही है कि जैसे भाई मुकेश गोड की कार्यशैली है, काम करने की क्षमता है, और लोगों के बीच अपने आप को एक परिवार के रूप में स्थापित किया है, और जो उनका लोगों से प्रेम, आपसी प्रेम, ना कि पार्टी ना कि नेता, एक प्रेम भाईचारा, सबसे बड़ी बात भाई मुकेश की ये है कि लोगों से जो उनका मिलना जुलना है ना, एक परिवार की तरह होता है, उसकी बदौलत आज आप देख रहे हैं कि पूरा शहर भाई मुकेश गोड के निवास स्थान पर, पूरा शहर आने के जो बस प्रेम 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 सिर्फ यो प्रेम की और ही मांगा बड़ो बड़ो साहब से, या प्रेम 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 अड़ दशमी तरह का ये भविष्य के गर्भ में ये आपके सामने आएगा। लाइट दबा, लाइट के लिए मैं बोल रहा हूँ, अभी बोल दो, बोल रहा हूँ, ये पावर तो दादा हो, देख लाइट तो आनी चाहिए। नहीं वो तो है, बड़े नेता आप हो, बड़े नेता निवास है, पूरा शहर उमड़ उमड़ के आ रहा है, अब शहर यो बिन लाइट में आओगा तो के कोई बात नहीं, लाइट की दीप पे करवा दें। तो आपकी लाइट टेंपरेरी लाइट लाइट लग रही है, ये बात कमेटी में अनबन सी हो रही है? ना 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 ना, ऐसी कोई बात नहीं, सारे अपने भाई हैं, कान बनाड़ी कोई बात नहीं, इस चीज का ध्यान नहीं दिया था। अच्छा, ध्यान कौन दिया? पार्षद कौन है? अड़गा पार्षद कौन है यहाँ का? पार्षद अशोक, न वो क्या बोलते हैं, सुभाष तंवर पार्षद है। तो अब शैल मोहत पर लग जाओ, ये वो जी पेड़ है जिनकी आज शाखाओं के रूप में शहर के लिए आयाम आयाम लिखे जा रहे, तो आपको नमन है कि आपने ऐसे ऐसे बेटे को जन्म दिया कि उस बेटे ने डंका बजा दिया, पूरा शहर में रुक्का पड़ रहा है कि मुकेश गोड आया है, अचानक से कदम 10 बस भेज दे है, कदम 6 बस भेज दे है, और मैं छक्के भी छक लिया, पीछा करके छक लिया, लेकिन कृपा है ये सारा किसी का करो वो करे, सब कुछ वही करते हैं भगवान, भगवान संस्कार तो दिए जा है, संस्कार नहीं होता, संस्कार वाली बात तो ठीक है, संस्कार वाली बात तो ठीक है, संस्कार वाली बात तो ठीक है, बाकी जो सन बाबा जो करवाओ सन वो ही करवाओ, और उसी ने करते हो तुम, कन्हैया नाम मेरा हो रहा है, लेकिन आज नाम भी हो नमन भी आपको, क्योंकि आज पूरे शहर में चर्चा का विषय बन रहा है, और फिर से आज पूरा शहर उमड़ उमड़ के फिर से छात को परा बैठा। दादा भाई वो तो फिल्म बाकी है, यो तो थोड़ा ट्रेलर हुआ है, यो किसी फिल्म या किसी ट्रेलर, ट्रेलर है, ट्रेलर है छोटा सा ही, बताओ ट्रेलर में हंगामा मचा दिया, अगर फिल्म आ गई तो क्या लोग, मैंने बात समझा दो, यो हाल तो फिर तय बताओगा, वो आपने देखना पड़ेगा। हां मैं देखूंगा, हां मेरे कप भी ना तो रहो नहीं, फिल्म रिलीज होने वाली है भाई, फिल्म रिलीज होने वाली है, लेकिन लगता कि आज मेरे हिसाब से या फिल्म भी रिलीज होती हुई देखी जा सकती है, क्योंकि प्रदेश का बड़ा व्यक्तित्व और बड़ा नेता आज किसी के निवास स्थान पे डिनर लेने आ रहा हो, और उस डिनर के लिए
पूरा शहर उमड़ उमड़ के उनको डिनर करवाने वाला हो, तो इससे बड़ी को पाते को नेता के लिए तो बिल्कुल जो दिखाऊंगा ऊपर छात भरी पड़ी है, वो भी भरा पड़ा छाती भरी पड़ी है, नहीं सारा परिवार है ऊपर बैठे आराम से, कल लाइट पक्की लगा दी, हां बिल्कुल लाइट में अभी करवाता हूं व्यवस्था 10 मिनट में। तो जी कॉफी इनकी बड़ी मशहूर शहर के अंदर, इन मेरा भी माला शहर अधूरा अधूरा दिखता है। नमस्ते प्रधान जी, कैसे हैं? पहले अपना नाम बता दो। राम प्रसाद नाम है। अपनी कैफे का नाम, कॉफी का नाम? नमन फूड कैटर है। नमन फूड कैटर, लेकिन ये जी जहाँ मिलते हैं वहाँ पे प्रोग्राम की शोभा बना देते हैं, तो आपको भी नमन है क्योंकि आपकी कॉफी याद रहे, कई दिन तक याद रहे, मतलब देख तो लिया दिल कितना बड़ा है, अब देखो मकान कितना बड़ा है क्योंकि काम चलना पड़ा है। आज भी रोहित क्या नाम है अपना? रजत नाम है। रजत, अब रजत बिना भी काम अधूरा अधूरा है क्योंकि रजत की एक पैर नर एक पैर नर है, अब मेरा सारथी बनेगा रजत गोड़। दादा मैंने दिखा दिया, दादा का मकान दिखा हुआ है, बात भाई ठंड ठंडी हवा है सब। नमस्ते सर, कैसे हैं सर? सर बताएं आज का अगर की प्रोग्राम की बात करें तो क्या प्रोग्राम है? क्या भाई प्रोग्राम तो मैंने तो जानकारी को नहीं, मैं तो मुकेश गोड़ के नजदीक के हूँ, तो उनका फोन आया था, मैं आ गया। मुकेश भाई का फोन आया है, अध्यक्ष जी आ रहे हैं, अध्यक्ष जी के सम्मान के लिए हम भी आ रहे हैं, उनके सम्मान करने के। तो जी दादा मुकेश गोड़ का मकान में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले तो अध्यक्ष जी पूर्व के जिला अध्यक्ष दिखाने बहुत जरूरी है क्योंकि दुप्पड़ जी है, इन्होंने भी बड़ा भाजपा को खड़ा करने में काम किया, अपनी भूमिका निभाई। नमस्ते। राम राम। तो आज की गंगा है या पूरा शहर छोड़ के लोहार रोड पर किस तरह बहने शुरू होने लग रही है? भाई अध्यक्ष जी घर पर भोजन है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, कुछ लोग मिलेंगे, कुछ लोगों को तो भोजन भोजन है या पूरा शहर उमड़ के भोजन का? सवाल लेता हूँ, ये तो पूरा शहर उमड़ के आ रहा है, भोजन तो परिवार के लोग करते हैं। शहर जो उमड़ के इसलिए है ना कि उनको मुकेश गोड़ से प्रेम है, मुकेश गोड़ से प्रेम है। नेता हो तो ऐसा नेतागिरी में तो यो कमाया जा, हाँ प्रेम है, प्रेम लोगों का प्रेम है मुकेश से, क्योंकि आज के दिन अगर बसा की बात करूं तो भी चर्चा बन रहा है स्कूलों में और स्कूलों में, यानी मुकेश गोड़ हो रही है, यो एकदम जादू श्री में मूर्छल तक तो भाई अच्छे विचार उसके साथ में मुरादाबाद तक, मुरादाबाद तक, मुरादाबाद मन्नत दाबे तक गया था, हरिद्वार तक भी था आगे साल से ज्यादा। नहीं मैंने तो आपकी वो वीडियो देखी थी, उसमें मन्नत ढाबे पर थे आप। तो कह सकते हैं दोपहर जी ये अब इसी अलग की इस शहर की राजनीति में बदलाव देखा जा रहा या फिर कोई और कोई बात है या फिर अभी तक वर्तमान की जो सरकार है वर्तमान के जो नेता है उन पे सरकार भी आश्वस्त है, यहाँ का शहर भी आश्वस्त है और आप जैसे नेता भी आश्वस्त है क्योंकि आपको प्रकंड भार रहा है, अपने बात को खड़ा किया है बड़ी नीयत से शिद्दत से। देखिए एक परिवर्तन जो है प्रकृति का भी नियम है और पार्टी जिस किसी को भी टिकट दे, जिस किसी को भी पार्टी टिकट दे, अच्छे से काम हो, बढ़िया से काम हो, आप जब भी मैं मिलता हूं तब आप मेरे से पूछ लेते हो शहर की हालत क्या है, शहर के हालत बदलें, अच्छा काम जो है सड़कों का हो, सीवरेज का हो, पानी का हो, बिजली का हो, तो सारे काम अच्छे हो, ऐसा हमें नेता चाहिए। तो जिस तरह से प्रगति बदलाव करती है उसी प्रकार से लगता कि भाजपा के अब आपके बारे में बदलाव कर सकती है? मैंने ये नहीं कहा, सवाल ले रहा हूं। नहीं नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पार्टी जो है टिकट देगी, अभी जो है बीजेपी की जो है आपने भी देखा होगा बीजेपी राय शुमारी करती है अपने कार्यकर्ताओं से भी, वो अभी कोई तय नहीं की है तारीख, हो सकता है कोई एक दो चार दिन में, नहीं मैं आपको जो बात बता रहा हूँ एक दो चार दिन में कोई ना कोई कार्यकर्ता राय शुमारी कार्यकर्ताओं से करने के लिए आएगा, वो हर कार्यकर्ता से जो है सुझाव मांगे। लेकिन अगर बात करें दोपहर जी आप बड़े पुराने राजनीतिज्ञ रहे हैं तो सवाल ले लेता हूँ कि लगता नहीं कि शहर भी अगुवाई करता है, उसके परिचय भी अगुवाई करता है, उसका व्यक्तित्व तो भी बोलता है, क्योंकि जब बदलाव तो तभी देखते ना, जिस प्रकार से मुकेश गोड़ है एक चर्चा का विषय बना हुआ, चाहे वो तीर्थ करवा के नाम पे हो, चाहे वो रात को 10 बजे पूरा शहर उमाड़ के अपने छात पे खड़ा करने का हो और एक टांग पे पूरा शहर आगे खड़ा हो गया, तो जिसमें आप भी आप आए हो, तो ये कह सकते हैं कि ये बदलाव के पद चिन्ह ना, ये मानता ना यूर के मोर के मैं क्या मानूं जी, ये पुराने राजनीति के आप। नहीं मुकेश गोड़ ने जो है नो डाउट काम किया है, अच्छा काम किया है और लोगों का चाहे वो सीएससी सेंटर के नाते से हो जो और हो
अच्छा काम कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष के नाते तो बढ़िया काम कर रहे हैं। आपके कार्यकाल में मैंने देखा, लेकिन आपके कार्यकाल में लोग मीठे मीठे नाराज रहा करते, क्या कारण मानते नहीं? हर आदमी का काम करने का एक तरीका रहता है। अब भी मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ, मैं महेंद्रगढ़ का प्रभारी हूँ, तो महेंद्रगढ़ वाले मुझे अब ये कहते हैं, बोला जी महाराज साहब प्रभारी आया है। आप सकते देखिए, नहीं नहीं, मैंने यही आपको कहा कि हर आदमी का, अच्छा दो बातें रहती हैं, एक आदमी को जिसको चुनाव लड़ना उसको नरम होना चाहिए, मुझे चुनाव मेरे तो ईपी लाग जाएगा है। एक मासूम चाहे उदाहरण है, चाहे उठाओ राजस्थान का, चाहे उठाओ एमपी का, वहां के मुख्यमंत्री को कभी आस्ती, बीसी वर्ग के भी हो, ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री कभी आस्ती कि हम भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अंतिम पंक्ति में बैठे हमारे व्यक्ति को भी टिकट मिली और वो मुख्यमंत्री बनेंगे, मान देना क्या पता आपके भी किस मतलब भागो या बदलाव इसी तरह होता। बिल्कुल 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 आपने ठीक कहा, यह है आज इस पर भी मंथन हुआ है, अलग से एक बैठक थी, इस पर भी मंथन हुआ है, और मैंने जैसा आपको बताया कि अभी एक दो चार दिन में जो है कोई ना कोई कार्यकर्ता आएगा जो राय शुमारी के लिए। जो आज चर्चा बन रही है शहर के अंदर तीर्थ के नाम पे होता है, किसी और प्रकार के नाम पे, तो ये चर्चा है? नहीं नहीं, अच्छी राजनीतिक विषय बनेगा? राजनीतिक विषय देखिए, अब जो है जो भी आदमी कोई काम करेगा, अब राजनीति वाला आदमी है तो उसकी चर्चा तो बनेगी शहर में, जो चर्चा बनी है अच्छी बनी बुरी बनी? अच्छी बनी, अच्छी बनी है, तो इसका एक अच्छा मैसेज आएगा ना। अच्छा सर क्या कहेंगे आज की चर्चा के बारे में, पूरा शहर उमड़ के एक छप्पा के खड़ा होगा? ये तो देखिए भाई साहब के प्रति लोगों का स्नेह ही है, अलग तो क्या है लोगों के प्रति, एक तो हर आदमी को ये अपेक्षा भी रहती है और भाई साहब देखो उस अपेक्षा पे खड़े भी उतरते हैं। जैसे कि भाई साहब की कार्यशैली है, उस कार्यशैली से लोग बड़े प्रभावित होते हैं। सच्चाई तो ये है, काम करने का अपना अपना उनका एक अपना तरीका है लोगों के प्रति। रात को कहते हैं ना 12 बजे किसी को ना जगाए, मगर इसके पास कोई 12 बजे भी फोन करते हैं तो उस हिसाब से उसका निदान भी करने की कोशिश करते हैं। बात ये है, एक यूनिक चीज और दिखगी, ये फोन करूं मैं, ये फोन बड़े पुराने होया करते भाई, बिना किन देख खड़े साले भी भाई हो लाइन नहीं है। अच्छा हेलो हेलो कर लिया, लेकिन फिल्मों में देखे पुराने पुराने फिल्मों में, लेकिन आज ये भी याद दे लो, दादा की यूनिक चीज भी घर में लग रही है, दादा के पैडी, दादा की तो पैडी के नीचे भी लाइट लगा रखी है, पढ़ दी भाई ठीक है बस, दादा की कोठी का पैड़ा। चलो जी आए, हम तो सारी चीज दिखा देता हूँ। बिल्कुल क्या दिखाना है, चीजें ला गए हो क्या पता जी, कोई किसी का डिजाइन पसंद आ जाए दादा की कोठी का तो आगे देख जियो है काम चल जाएगा। यो हमारा पड़ दादा की है जी। अच्छा पड़ दादा की अलमारी है या हमने मॉडिफाई करवा रखी है? वाह भाई वाह, पहचान रख रखी, एक बार रखी। अच्छा एक बार अलमारी है वो भी हमारा पड़ दादा की। वाह भाई वाह, आ जा भाई आ जा। दादा जिम तमी मारया करे हैं? दादा जिम तमी मारया करे काम किया, और जो ऊपर पूरा शहर के रूम में आप देख सकते हैं एक एक चेहरा लाख लाख रुपए बराबर है, पूरे को सरपंच है तो काम बहते आज अड़क के कर काम भाई 9:15 बजे भैया खतर आ रहे हैं। किस तरह भाई ने टिकट मिल गया? मैं समझा ना सरपंच है, टिकट किस तरह मिल जाएगी? टिकट तो टिकट मांगना है पूरा शहर आदमी काम वाला का, भैया का साथ होगा तो टिकट मिलेगी। बस टिकट मांगना गया कि मोबाइल भाई बुद्धू तो टिकट ये बाप प्रोग्राम के में प्रोग्राम हुआ जिद्दे टिकट हो गई। विजय भाई नमस्ते। नमस्ते नू करे काम तो तालक कर लंबरदार हो बताओ आज आप तो बकता सो जाया करो, राज स्टम दगो हो भाई साहब के लिए आ रहे हैं, 25 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, समाज पूरा समाज आ रहा है, अकेला नंबरदार नहीं पूरा समाज, पूरा भिवानी समाज अगुवाई करने आ गया। बिल्कुल 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 दोस्त कैसे हैं बता दे, फिर तो बता आप भी बता दिया, इनको टिकट मिल गई है जीतेंगे। चलो जी हां, मुकेश गोड़ा सबसे उत्तम उम्मीदवार है भिवानी हलके से। चलो जी ये शिक्षा है सरकारी, इनको भी नमन है क्योंकि मैं इनके स्कूल में गया था, इन्हें स्कूलों में मन देखे डिसिप्लिन, और वो एक था वो कौन सा वो खाना दिया करा मिड डे मील, देखो जी कई बार चीजें दिमाग से उतर जाती हैं, तो मिड डे मील का जो खाना मैंने खाया था वास्तव में ये था कि मैं घर का खाना खा रहा हूँ,
सर आपको नमन है, आप बड़े सिद्ध से काम करते हैं। बिल्कुल बहुत। तो आज पूरा कुकर आ गए, सोना टाइम हो गया आपको, तो आप सारे वक्त तो उठने आदमी हमारे रोड के तो। बस दादाजी के जी त्यार आगे एक ना एक लेके आया। ये अच्छी बात है। नमस्ते भाई साहब, आप साहित्यकार हैं, आप कवि हैं, तो क्या कहेंगे? देखो जी, हम तो मुकेश गोडी जी के बुलाव पर आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के श्री मोहन लाल जी बडोली जी पोदर पहुंच रहे हैं, उनके स्वागत में हम सब आए। चलो जी आऊंगा सर सभी के पास, विनम्र विषमता में आप आ गया। 7-8 बार का एमसी बने रहे, यानी इस व्यक्ति का एक उदाहरण है। भी जो सर 7-8 क्यों कब है? तो नोक है के? आठ नोक है। आठ तेरी 10 कह दी। जा चाचा की व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व है, इस शहर का 31 वार्ड है, 31 वार्ड में कोई ऐसा व्यक्ति बच्चा होगा जो चाचा बिल्लू बादशाह नाम को न जानता होगा। यो कमाने के लिए यो जिंदगी में तो क्या कमाया जा है? नामे कमारा क्या जोर के? यो भी कमाओ भी तय से। मैं को कमाओ हूं बस मारा बादशाह बादशाह करके कमाओ जोर के कमाओ। आज जिस प्रकार से आप तो थोड़े हल्के फुल्के बीमार बेचालो हो, तबीयत खराब रहती है आपकी, लेकिन आप इस टाइम आज इस यहाँ बैठे हो, तो तबीयत खराब होने के कारण भी आप यहाँ बैठे हो, तो कारण की? कारण तो भाई मारा मुकेश गोड़ है और अध्यक्ष है शहर का, अध्यक्ष का ना तो होते स्वाते अपने प्रदेश अध्यक्ष दो सिंह के मकान पे हाजिरी लगाना रहे से। हाजिरी के लगाना था, टिकट मांगना रहे है? टिकट तो हम तो कमाएंगे, टिकट दे दो भाई। बत्तीस बना दिए सरपंच, हमने 31 है भिवानी लकम है। अच्छा हां ठीक है, पंचायत उसका नानी नानी भी हो जाए है, डबल भी उसका और भी पड़ोसी भी आ जाए है। हां दाई भाई के जी आओ है, जो निकाल रहे हैं पूर्व किया जा रहे हैं। हां पहले बिहार से तो जो आज आए हो, तो इसका कोई सार्थक मैसेज जागा, सार्थक परिणाम मिलेगा या क्या मिलेगा? देखो गांव का सरपंच बैठा हुआ बताऊंगा, प्रलीवन बात छेड़ते हैं फिर बद्दवा। गुरुजी नमस्ते, कैसे हैं गुरुजी? बढ़िया। ये वो व्यक्ति हैं जी जो मेरी शुरुआत के अंदर पत्रकारिता शुरुआत के अंदर इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया हुआ है, क्योंकि मैंने वो क्या बोलते हैं हाथी का पेट बनना मैंने वो काम शुरू किया था, लेकिन इन्होंने मेरा सारथी बने के ऐसे ऐसे काम करवाया कि मैं आज मैं जे बन गया। तो नमन आपको भी गुरुजी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बात किस तरह? जैसे आप आ रहे हो आप हम तो एक ही मत लेने आया पता है, लोग क्या सोचते हैं। तो आज लोग आए सर, पूरा हल्का आया मैं मानता हूं, क्या मैसेज जाएगा? अपन तो मीडिया के आदमी है, मीडिया वालों को तो हर जगह जाना रहता ही है। अच्छा बनाने का भी तो है। गुरुजी नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आज गांव राम छोड़ के सोने का टाइम है, अड़ को कैसे कोर्ट में जाना होगा, काम भी करने होगा गांव के। ये भाई गोड साहब के बुलाव पा रहे हैं भाई साहब। जितने सरपंच आ रहे हैं वो तो एक सरपंच को नहीं रहा, पूरा गांव में उठ क्या रहा है सरपंच के रूप में? देखो ऐसा जी, काम तो भाई के साथ है ठीक है, और गांव बीजेपी के साथ है ठीक है। और बताओ? मैं बताऊं कि हमने सारी बात कर दी। नमस्कार, कैसे हैं? बस बढ़िया। बताएं फिर आज का जो इकट्ठा होना है कितना सार्थक जाएगा और क्या मैसेज जाएगा और किस प्रकार से इसका आप लोगों को फल मिलेगा? भाई साहब बात ऐसा है कि मुकेश गोड़ जी बहुत ईमानदार कार्यकर्ता है और 27 साल से पार्टी में लगे हुए हैं, जो पार्टी आदेश देगी वो भाई साहब काम करेंगे। तो अब वो जो पार्टी के लिए पेड़ को छींचना था, तपस्या करनी थी, अब उसका परिणाम लेने का टाइम आ गया। बिल्कुल जी, और वो आप लोग लेके जाएंगे? बिल्कुल लेके जाएंगे। चलो ये अच्छी बात है, किसी भाईचारे के लिए अच्छी बात है, उस परिवार के लिए कि कमाया है वो लिया जाएगा उल्टा उल्टा। दादा विजय कोशी को मिल गया तो विजय खर किया, यानी ये एक ऐसे व्यक्ति था जी कि ये नूपुंद खंजे में कितने रुपये पड़े हैं, तो हाथ में लाग गए उतने रुपये दाम दे दिए। वाह वाह मजा आ गया दादा, ये मेरा काम देखा आपका, नमन आपको भी। तो आज किस तरह? आज मुकेश भाई का एक बुलावा पे आगे। कैसा बुलावा था दादा, के बात रखोगे, किस तरह बात रखोगे? बुलावा क्या का था? वो बुलावा बडोली जी आ रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, ठीक है हाँ, उनका मान सम्मान में और अपनी बात और रखेंगे। हाँ बिल्कुल, उनसे बात कराएंगे। कान में के कहोगे? कान में क्यों, खुली कहोगे? खुली के कहोगे? बात खुली के कहोगे?
हम हमारे समाज की तरफ से टिकट की मांग कराएंगे। मांग बिल्कुल, ये अच्छी बात है, समाज के लिए भी अच्छी बात है, उस हल्के के लिए। सर नमस्ते, कैसे हैं सर? बढ़िया, बताएं सर। बस यही है भाई, समाज के लिए इकट्ठे हुए हैं, अपना अधिकार चाहिए हमें भी। तो सर आज जो इकट्ठे हुए हैं तो लगता है कि वास्तव में पार्टी इसकी तरफ सोचे भीगी, देखे भीगी और विचार मंथन भी करेगी? भाई हम तो अपना काम कर रहे हैं, बाकी पार्टियां काम है, यानी अपना काम में कमी नहीं रहनी चाहिए। अपना काम में तो बिल्कुल फिटफुल होना चाहिए, है सर? आज अपने काम में बिल्कुल फिटफुल है, बिल्कुल ठीक बात है। उनके समर्थन में हम तो नारे लानी है, हम सब टिकट दो ब्राह्मण समाज। सर नमस्ते। नमस्ते, क्या कहेंगे सर? यही कहेंगे भाई हमारा कैंडिडेट है, इसको टिकट दी जाए। जी जाए, चलो जी, बढ़िया कार्यकर्ता है, पटवारी भी है, सरपंच भी है, सारे काम है, दो बात करने का काम तो पक्का कर। नमस्ते, कैसे सर साहब? बढ़िया। हाँ भाई, उमराव गांव एक ऐसा गांव है, देखो आज बात कहनी चाहिए, आप अपनी बात भी रखना प्रधान आवे है, क्योंकि जरूरी है, अगर बात नहीं रखो तो बिना कुकर पटेगा, आप भुगतो क्यों हो? क्योंकि गांव पूरा पर है, जोड़ का पानी पीता जी आज भी पीता ना, और जितने भी इस बेल्ट के गांव है, चाहे ढाडू है, बडाड़ा है, कायला है, सांगा है, उमरावत है, कोट है, पूरमपरा है, नांगड़ है, मांडू है, या फिर डाणा है, डाणा नरसाण है, है? पानी की त्राई त्राई है। जिस प्रकार से आज अपने नेता को मजबूत करोगे, उसी प्रकार से ये जरूर लिखना शर्मा साहब कि हमारा गाँव टैंकर अब जीव है। बिल्कुल कहेंगे जी, पौध पार्क पहले भी कही है, मुख्यमंत्री को भी कहा है, मंत्रियों को भी कहा है, पहले हमारे कृषि मंत्री थे उसको भी कहा है, अब एमएलए को भी रोजाना कहते हैं, प्रशासन को भी कहा है, पानी के बारे में हमेशा 50 सालों से लाग रहे हैं जी हम तो आज ही 50 साल से लगे, वो तो तपस्या कर, तो आज लगे कि उसका परिणाम मिलेगा, कितना आज इकट्ठे हुए हो? आज तो ऐसा है कि देखो आपने पूछा था सरपंचों से, उसे पूछा भी सरपंच क्यों आ रहे हैं, सरपंच भी सरकार है और भाजपा सरकार है, प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, सरपंच नाराज भी थे सरकार से, मीठे मीठे नहीं आंदोलन हुए थे, आपको लाठियां बांधी गई थी, तो सरकार की वो भी थोड़ा बताओ। हाँ नाराज थे, अब अजी मान के भाई अगर जो चीज मांगे थे वहां मिलेगी तो नाराज दूर हो जाएगी, चीज मिलेगी आप लोगों को, जो चीज चाहते थे सरपंच से, अगर वह चीज मिल जाएगी तो नाराजगी दूर हो जाएगी। चलो, आने का कारण ये भाई सरकार भाजपा सरकार है, प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, अपनी समस्याएं जो होंगी उनका बता देंगे, मुलाकात हो जाएगी, मिलजुल के काम चल रहा है। पानी की समस्या दूर रखें, बिल्कुल रखें, मन ने भी उड़ाना है और आपने उड़े रहना है, क्योंकि उड़े सुसरे की खाट और उड़े बहु का पिछना, मेरा भी हल्का ही हो और आप भी उड़े रहनी हो, बुझ जू पक्का का कि आज नेता के टिकट मांग के जाओगे, पानी की समस्या मांग के जाओगे, आपको नहीं। नमस्ते, नमस्कार, कैसे सर? सर आज का तो तजुर्बा आपका उम्र का, आपको भी और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर आज उम्र का तजुर्बा होता है एक व्यक्ति का, तो जो आज का तजुर्बा क्या बोलता है? आज का तजुर्बा ये बोलता है कि जो हरियाणा के नव नियुक्त अपने बीजेपी के हरियाणा के अध्यक्ष जो आज आए हैं, तो ये जो लोग हैं 36 कौम के लोग है यहाँ, हाँ जी पूरा हल्का, और एक एक आदमी 100-100 वोट के बराबर है, तो ये अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे और उनको ये बताएंगे कि जो मुकेश गोड़ जी हैं, ये लगातार एक पार्टी से, एक नीति से लगातार लंबे समय से संघर्ष है, और पब्लिक में इनकी बहुत बड़ी साख, अब जनता ये चाहती है कि इनकी मेहनत का फल इनको मिलना चाहिए, टिकट मिले ताकि ये पब्लिक की और सेवा कर सके। जी सर, तो अब की बार जनता बदलाव देख रही है, क्या आप देख रहे हैं? क्योंकि भाजपा के वर्तमान के एमएलए भाजपा से ही है। नहीं, भाजपा से तो से हैं, लेकिन वो क्या है, निष्क्रिय से हैं, काफी देर 3 बार बन चुके हैं और एज्ड पर्सन हो गए हैं। ठीक है, बढ़िया था, लेकिन अब जो है ना ये जुजारू लड़का है ये मुकेश गोड़ जी, जो डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष बनाए हैं, और ब्रोली जी आज हाँ यस इसमें वो जज्बा है, तो सारी ये 36 बिरादरी इसलिए आई है, अभी अध्यक्ष महोदय को बोलने और सेवा का मौका दें। सेवा मौका, जी सर, क्या कहेंगे, कहेंगे आप, कहेंगे हम तो यही कहेंगे, ये इनका स्वास्थ्य खराब रहता है। अच्छा, तो स्वास्थ्य शहर का ठीक करना पड़ेगा, वर्तमान विधायक जो उनका। अच्छा, तो इनका सेवा का मौका, ठीक है सर, चल आप कुछ कहेंगे? ये कह दिया तो बता दे, वर्तमान का एमएलए भी भाजपा से ही है, और हम बदलाव मांगो हो तो हम क्या मांगो है? हम क्या मांगा था बता, टिकट मांगना रे, टिकट हम तो हमारा इसकी अपना अध्यक्ष की मांगा था। अच्छा, मुकेश गोड़ की। अच्छा, और बता क्या मांगना था हमने,
बाकी हम मालिक साए शहर के मालिक मालिक हो बाकी शहर में बच को रहा है बच की तो रहा है हम तो साए मालिक मालिक हो शहर के इन शहर छोटा छोड़ के कौन रखा किसने कौन छोड़ा जो वर्तमान में है ना वर्तमान में क्यों हम तो रखा है साम हम अपनी खुद की ताकत से मारे तेरे नाली साफ कर काम कौन चल रहा है तो और क्या तो चलेगा जिन्हें काम करना चाहिए उसने काम करना चाहिए मेरी बहनी तो सारी खुश है किस तरह मेहर तो है क्या बता नमस्कार कैसे हैं तो आज युवा भी हैं तो क्या मानते हैं आज युवा क्या देख रहे हैं यंग सरपंच तो धिराना कला के सरपंच है धिराना कला के जी सरपंच हम मैं आप मेरी पहले मुलाकात अच्छा अच्छा जी सर बताएं अपना यही है कि भी सबका साथ सबका विकास जैसे बीजेपी का नारा ही है तो मुकेश गुड़ जी को कम से कम भी हो गए होंगे तो 25 साल हो गए ठीक है और सबका साथ सबका विकास इससे बड़ा साथ और सबका विकास अगर आप देखो इससे बड़ा कोई जोड़ नहीं सकता कितने सरपंच बैठे कितने पटवारी बैठे कितने और महकमा के सब बैठे हैं इससे बड़ा कोई संगठन बना ही नहीं सकता यानी तो गुप्तचर मीटिंग होगी आज के किस्म का तो ऐसा होगा वो एक सच्चाई है इस टाइम पर कायला बडाला धारेड़ू तो चलो नहीं है सांगा सारे सरपंच आ रहे हैं यो अलकाए की सा है मेरे ख्याल में बांग्लादेश का हिस्सा मान लिया पानी के मामले में सरकार वैसे जो भी विकास करवा रही है अच्छी बात है खूब करवा रही है लेकिन पानी का मामला मामले की बहुत सूत्र पलम कहानी है देखो पानी का मामला में है ना दिक्कत है दिक्कत है और ऐसी विधानसभा जे भाई पानी पानी में एमएलए ले इसके पार्टी अगर चाहो तो हमने पानी दे दो बस हम तो बिना मांगे वोट देने आदमी यार बिना मांगे ठोके 28,000 की लीड एमपी जो चुनाव हुआ है उसमें दी हमारा भिवानी हलकन है 38 की हम कर देंगे हमने पानी पानी दे दो कुछ चंदा है कोई हाँ पानी पानी तो आज बड़े नेता है उनसे एक ही डिमांड है हमने पानी चाहिए बिग्गी सुक्की जोड़ सुक्के भाई वो पानी मिल जाए हमने भिवानी का हलका में जितने गांव लगते हैं एक गांव में भी पानी लगता नहरी पानी तो दादा बात तो जब कर लीजिए वर्तमान को पदा नेता बैठे हो वो तो सारे मांगने आ रहे हैं थार तो क्या बात कर लियो आपके सामने कहूं आप भी न्यूज़ पहुंचाओगे उधर गए पता पहुंचाओ तो मांगो तो हम मांग लिया अरे एक भिवानी हलके के एक गांव में भी पानी नहीं लगता पानी लगता चलो जी सारे गांव में पट्टा पे उल्टा पट्टा पकड़ू को नहीं लेकिन पट्टा यो है कि आज अगर बात करूं मेरी गली में 9:30 हो गए और 9:15 पूरा हलका उठ उठ के उमड़ मुकेश गोड़ की कोठी में निवास स्थान पे आया हुआ है अब देखते जी क्या बात रहेगी हैं तो जी अब नेता भी आ चुके और नेता साथ में कहीं ना कहीं यहाँ के निवासी भी आ चुके तो दो बात करने का काम पक्का करूंगा नमस्ते सारे पार्षद सारे सरपंच अड़ा रहे भाई लटक रहे हैं नुको कर उल्टी गंगा का बैल लगी तू आया बचे सर किसने नु बैल छी है उल्टी नु आ लगी नु तो तैयार है वो बंद कर रखे हैं ये फाटक बंद कर रखे हैं फाटक बस फाटक बंद कर रखे हैं लटक गंगा उल्टी लगी तो प्लस ऑन कर दी तो नेता की मीटिंग है दो बात मैं दादा अचानक से आधी रात को पूरा हल्का उमड़ उमड़ के एक बच्चे के स्थान निवास स्थान पे आ गया तो ये आज इकट्ठा करने का कारण क्या नहीं मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ आए हुए थे तो प्रदेश अध्यक्ष जी का कार्यक्रम था प्रवास का कार्यक्रम है तो उसी के नाते अब ये भोजन की व्यवस्था यहाँ पर है उसी के नाते सब साथी इकट्ठा हुए दादा भोजन तो ठीक है लोग तो कहीं और ही मन में सोच के आ रहे हैं क्या सोच के आ रहे हैं हां आप तो कहीं लेके जावांगे प्रदेश अध्यक्ष तो बता के ले आओ और स्वाभाविक है कि ये सारे सरपंच सारे एमसी देख ले गुल्लो चले खड़े हैं अब ये आगे सारा काम ही आके मारते कितनी बड़ी नहीं ये तो मेरे प्रति प्रेम इनका और लगता है कि भाई परिवार का को मुखिया है ये आ गए मुखिया है तो लगता है भी हमें कुछ देके जाएंगे तो स्वाभाविक है तो इनके मन की इच्छाएं अब बटोले जी आए हैं तो बात करने का काम करूंगा अगर टाइम मिल जाए तो मैं मित्र से बात कर लूंगा सुरेश जी तो अब मुकेश कोड सभी परिवार के लोगों का इंट्रोडक्शन करवाता हुआ और उन्होंने कहा कि ऊपर जाके दो मिनट बात करने का काम पक्का करवाने का काम करेंगे तो देखते हैं जी टाइम मिलता नहीं मिलता तो और भी आए व्यक्ति तो यानी व्यक्ति तो आ चाचा पुन्नू नमस्ते नमस्ते नमस्कार नमस्कार अजय भाई आपका नमस्कार लाला जी लाला बैठे तो आप फ्री चलेगा एक मिनट आओ जी चाचा पुन्नू नमस्कार तो चाचा पुन्नू हमारा पूर्व जिला परिषद में हाँ
लगता ने कहा कि भी मेरा एंग और हो रहा है, सीमंत हो रहा है। चलो जी, लेकिन पूरा हल्का उमड़ उमड़ के आज उधर दिखा जा था। तो के मीटिंग हुई, के फैसला होया? नुकु कर चलो तो फैसला को मीटिंग आओ किस चीज का जो आज नहीं? ये तो अध्यक्ष जी पहली बार आए थे, स्वागत समारोह सब दिन का हो गया था ना। वो तो ये था विषय ये था कि जनसंवाद का कार्यक्रम था, तो उसमें अध्यक्ष जी ने लोगों से पूछी है समस्याएं। आपने क्या क्या बातें रखी है नेता के बारे में रखी? कोई नेता बदलना चाहिए किस प्रकार की बातें? ये तो चलती रहती है, वो चलती रहती है। चलो जी नमस्ते, अब तो टाइम मिल जाएगा अच्छा। चलो जी सर, तो आप बताएं क्या मैसेज गया, क्या मीटिंग थी, क्या सभा हुई? सर बताएं सर, आज की क्या मीटिंग का उद्देश्य रहा? क्या साफ बताऊंगा, मना कर दिया। चलो जी, अब मैसेज ये गया जी, प्रदेश अध्यक्ष जी को बताना चाह रहे थे भिवानी हल्के की जनता मुकेश गोड जी के साथ है। 31 वार्ड और 31 गांव के सरपंच प्रतिनिधि एमसी यहां पर मौजूद थे, पूर्व एमसी या उनके प्रतिनिधि मौजूद थे। सभी ने प्रदेश अध्यक्ष से रिक्वेस्ट किए कि मुकेश गोड जी एक ऊर्जावान कार्यकर्ता है, इनको भिवानी हल्के से जिता के भेजेंगे, आप इनको उम्मीदवार बनाए। चलो इनके हल्के ने मांग किया, बिल्कुल किया, हल्के ने मांग किया, अच्छी बात है उसी नेता के लिए, अच्छी बात है उस हल्के के लिए। अब हल्का बदलाव देख रहा, नमस्कार भाई, आज आए हैं क्या उद्देश्य था? आज हमारे बीच में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बुडोली जी हमारे पीछे पूछे, हम मुकेश गोड के युवा स्थान पर यहाँ का कार्यक्रम था। बता के मांगा? हम दिया था, हम भाई टिकट मिला हमारे समाज से। हाँ मांग क्या? तो के बुडोली पूछे सब के बताया? चलो हमने मांग रखनी थी, तो पार्टी का निर्णय है, जो होगा वो पार्टी का निर्णय। बात तो वही होगी, परिवार के हैं, अपने समाज के हैं, तो कुछ तो काय होगा कि हाँ भाई इतने स्वस्थ हो जाओ, इतने हो जाओ। पिछले दफा तो शाम से किसी समाज के प्रेशर में आके पार्टी ने टिकट बदली। अच्छा। के गट्टे के लिया। अच्छा। कोई ने डेट ये भी इसकी तैयारी इस कदर से बहनी तो है, और हमारा समाज इसके गले एक जुट ईसा है, और भी इसके गले युवा शक्ति ऐसी है क्या किसी कहीं भी किसी भी उम्मीदवार के पास? इस पे इतना तामझाम है कि अगर इसने मिल जाती है ना टिकट तो बीजेपी बनेगी, नहीं तो फिर कौन? फिर खो। हाँ तो आपकी मतलब शहर को बचाने के लिए आए हम? हाँ, फिर सीट चाहिए। अच्छा अच्छा, ये रहा। हाँ, ये था बिल्कुल यही बात। चलो ये माहौल था और ये बातें थी। नहीं सर, तो जे एन सी नो से अजय नायक और दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।